गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 36 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं अगले 36 घंटे आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पहला कार्ड यहाँ पे होपफुल है। नेक्स्ट हार्ट ब्रोकन। नेक्स्ट है यहाँ पे जेलसी। फिर है यहाँ पे रोमांटिक। हेल्पलेस। एनवीएस। और बॉटम डेक में जो कार्ड है वो प्लेफुल का है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, फिर ही मैं कुछ बात करूँगी। होपफुल की एनर्जी की ओर डिवाइन प्लीज गाइड करे। होपफुल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर। हार्ट ब्रोकन की हुआ डिवाइन प्लीज़ गाइड करे। हार्ट ब्रोकन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द टावर। स्नीकी की एनर्जी की हुआ, वाई इज स्नीकी बीइंग हियर। आपके पार्टनर की एनर्जी में स्नीकी एनर्जी क्यों है। फोर ऑफ वॉन्ट्स, सॉरी दिस इज फोर ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी फोर ऑफ स्वर्ड्स है। फिर है यहाँ पे रोमांटिक को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ कप्स। फिर यहाँ पे हेल्पलेस को क्लैरिफाई करने वाला जो कार्ड है, बाप रे सारे फोर फोर आ रहे हैं, फोर ऑफ वॉन्ट्स। एंड एनवीएस को यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स ना आ जाए। फोर ऑफ एनवीएस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम डेक में है थ्री ऑफ टी कप्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे एरीज है और स्कॉर्पियो है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ओवरऑल एनर्जी नेक्स्ट 36 आवर्स के आपके पर्सन की मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मनाने की, आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, आप लाइक कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ आपको ले जा सकते हैं कहीं पे, लाइक मीटिंग करा सकते हैं। कुछ कुछ बहुत ही हल्का फुल्का सा एनर्जी मुझे लग रहा है नेक्स्ट 36 आवर्स। कुछ लोगों की यहाँ पे एक फ्रेंडली मीटिंग भी हो सकती है। ओके, सो वो आपके ऊपर है आपको मिलना है या नहीं, मैं बस बता रही हूँ यहाँ पे कि ऐसा मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे आप दोनों एक फ्रेंडली मीटिंग कर सकते हो एक दूसरे के साथ। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके पर्सन ना, मुझे उनके अंदर एक आपको पाने की जिद दिखाई दे रही है, जैसे वो आपको अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और दे वॉन्ट टू मेक यू देयर्स। वो मेरी है, वो मेरा है, वो मुझे चाहिए किसी भी हाल में चाहिए। तो किसी चीज़ के लिए आप इंटेंशन क्या रखते हो ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपके पर्सन बहुत होपफुल रहेंगे कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन ठीक हो जाए, लेकिन मुझे ना उनका जो उसके पीछे का इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा उनका माइंडसेट ईगोइस्टिक दिख रहा है। मतलब एक होता है कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उसको अपना बनाना है, वो जो सोचेगा या वो जो सोचेगी वो सही है। ये होता है कि एक अफेक्शनेट वाला, एक प्यारा सा, वहाँ पे आपकी भी इज्जत की जा रही है, आप क्या चाह रहे हो उसके बारे में भी देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन होप तो काफ़ी रख रहे हैं सब कुछ ठीक होने का, लेकिन उसके पीछे उनका इंटेंशन है कि एक बहुत टेरिटोरियल सी, पजेसिव सी, ऑब्सेसिव सी एनर्जी है इनकी। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे
आपके किसी बिहेवियर के वजह से या आपके किसी रिएक्शन के वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा उनका दिल टूट सकता है। ओके, देखिए कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठता है और जब वो पूरी नहीं होती है फिर वो हार्ट ब्रोकन हो जाता है। तो आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। प्रॉब्लम यही है ना कि वो अपने बारे में सोचते हैं, मेरा ये मेरा वो और आपका क्या, बाबा जी का ठुल्लू। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचना चाहिए कि रिश्ता दोनों का है, दोनों के बारे में उनको सोचना चाहिए। देयर थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग शुड चेंज। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन नेक्स्ट 36 आवर्स एक हाइड एंड सीक भी आपके साथ खेल सकते हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि इंसान कहाँ गायब हो गया, ना ये दिख रहा है ऑनलाइन, ना ये आ रहा है, ये हो सकता है चुप चुप के आपको स्टॉक करे। ये पर्सन पता है कैसे हैं, ये ऐसे नहीं है कि जहाँ पे किसी रिश्ते में ये 100% एफर्ट्स डालेंगे। अगर इनको पता चल गया गलती मेरी है और यहाँ पे मुझे मनाना पड़ेगा तो उसको मनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए 100% दे देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ये पर्सन 10% थोड़ा सा आपको मनाएंगे, गायब हो जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद आते हैं, सॉरी सॉरी बोलेंगे, फिर आप नहीं बोलोगे तो भाग जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इस इंसान के अंदर बिल्कुल नहीं है। सो नेक्स्ट 36 आवर्स में ये गायब भी हो सकते हैं। दे माइट टेक टाइम फॉर देमसेल्व्स। एक तो इतना सेंसिटिव खुद बने हुए हैं, ठीक है कि कुछ भी आप थोड़ा सा भी उनको रिजेक्ट कर देते हो तो ये पर्सन बुरा मान जाते हैं। दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को वो रोमांटिक पल जो आपके साथ बिताए हैं या जो ड्रीम्स हैं उनके फ्यूचर में जो रोमांटिक पल वो बिताना चाहते हैं, वो बहुत मिस करने वाले हैं उन पलों को। दे विल वॉन्ट टू रिकनेक्ट एंड उन्हें लगता काश ये होता, काश वो होता, काश पहले जैसे सब कुछ हो जाता। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे इस पर्सन को आपके साथ स्टेबल रिश्ता चाहिए, कमिटेड रिश्ता चाहिए, इनको एक फाउंडेशन बिल्ड करना है आपके साथ। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर वो गुण ही नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को स्टेबल कर पाए, और फिर वो बिल आपके ऊपर फाड़ते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप मानते नहीं हो, आप उनको चांस देते नहीं हो। बट जब आपने चांस दिया तब इस पर्सन ने तो झंड कर रखी है सारी। सो हाउ विल यू ट्रस्ट देम? सो बहुत हेल्पलेस फील करेंगे जब मतलब आप रिजेक्ट करो तो प्रॉब्लम है, खुद रिजेक्ट करके 10 बार चले जाते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि ये तो मेरे हाथ से गया, ये तो मेरे हाथ से गई, ये किसी और की हो गई है शायद, या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, और ये बहुत जेलस फील करने लगेंगे। ठीक है, उस इंसान से जिसको मतलब इमेजिनरी पर्सन जो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई आया भी नहीं है, ठीक है, बट ये अपने ख्याली पुलाव पकाएंगे कि उसकी ज़िंदगी में शायद कोई आ गया है, वो किसी से मिलती होगी या वो किसी और की हो गई है, सब पानी फिर गया, मैंने इतना सब कुछ किया और अब कुछ नहीं। तो इस पर्सन का प्रॉब्लम क्या है? ये करते कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ करना चाहिए वहाँ पे करते नहीं है, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे बेफिजूल की डे ड्रीमिंग करते और गंद फैलाते हैं। तो यही होने वाला है नेक्स्ट 36 आवर्स में। चलिए देखते हैं कि अभी करेंटली जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब उनकी एनर्जी क्या है। राइट नाउ व्हाट दे फील, व्हाट दे थिंक। मुझे पता है इस पर्सन का प्रॉब्लम क्या लग रहा है, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, गलत सोचना। ट्रेजर योर लव्ड वंस, हैव पेशेंस, ओके, टाइम टू टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। एंड जो लास्ट कार्ड है डेमॉन्स्ट्रेट लव, एंड बॉटम डेक में है यहाँ पे सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि ये पर्सन अच्छे हैं, इनकी जो मतलब जो जिस तरह से इनका जो माइंडसेट, लाइक बेसिकली इनका माइंडसेट काफ़ी अच्छा है, अच्छे इंसान है, लेकिन जब बात आती है एक अच्छा लवर बनने की तो वहाँ वो फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, और वो इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा है और सोचते गलत है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम हियर। ठीक है, ट्रेजर योर लव्ड वंस की एनर्जी क्यों है? ट्रेजर योर लव्ड वंस को क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट, तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी है वृषभ राशि। हैव पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे टेन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे वाटर साइन है। फिर यहाँ पे टर्न ऑन योर हार्ट लाइट को क्लैरिफाई कर रहा है मजिशियन, विच इज़ जेमिनी एनर्जी मिथुन राशि। और जो लास्ट कार्ड है वो है सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, जो डिमॉन्स्ट्रेट लव को क्लैरिफाई कर रहा है। एंड बॉटम डेक में है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए प्रॉब्लम ये है
कि ये पर्सन अभी करंटली तो इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, उन्हें जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बिहेव बहुत गलत किया, रूड बिहेव किया, आपको बहुत हर्ट किया। दे कैन सी दैट, ओके। और उन्हें ये समझ रहा है कि आपके साथ अगर, देखिए वो आपसे प्यार करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट करना, आपसे काइंडली हम्बली डील करना बहुत ज़रूरी है, बट वो उसका अपोजिट ही कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन को जैसे अपनी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, जैसे अपने लोग इम्पॉर्टेंट है, ये आपको भी अपने लोगों में ही देखते हैं, एंड उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि आपको संभाल के रखना, संजो के रखना, आपको अपने पास करीब रखना बहुत ज़रूरी है। और जितना वो, मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं उनको अपने पास रखना, संजो के रखना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी इमोशंस की कदर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पर्सन को फील हो रहा है इस वक्त। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि उनको ये भी लग रहा है कि भले ही अभी इतनी प्रॉब्लम्स है, फ्यूचर में डेफिनेटली हम एक होंगे और एक ब्यूटीफुल रिश्ता हमारा बनेगा, या हमारी शादी होगी, या हम दोनों कंप्लीट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन उसके लिए मे भी टाइम है, ठीक है। तो उनको लगता है इनके पास दुनिया भर का टाइम है, करेंगे कुछ नहीं, बस इनको लगता है कि टाइम है, लगता है, मतलब इनको लगता है कि आप तो रुके ही रहोगे ना, आपके घर वाले तो आपके लिए, उनके लिए माला लेके बैठे हैं। तो मुझे लगता है ये इंसान ना करने के बजाय ना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि ऐसा होगा, वो मेरे नसीब में है तो मुझे मिलेगा, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें सोचते हैं, एंड दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। एंड मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये काफ़ी मेमोरीज में खोए हुए दिख रहे हैं मुझे, जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, आपका प्यार, आपका आपके साथ रहना, आपका रिश्ता, लाइक आपके साथ जो रिश्ता था, तो उन्हें लगता है कि वो बड़ी आसानी से पहले जैसे दिन ला सकते हैं अगर वो चाहे तो। तो ये भी उनकी गलतफहमी है, क्योंकि उनको लगता है कि आप बैठे ही हो यहाँ पे उनके लिए, जब आएंगे जब चाहेंगे, उनकी मर्ज़ी। तो ये भी उन्हें चेंज करना है, जो कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव एटीट्यूड है इस पर्सन का, दे नीड टू चेंज दैट। एंड मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि बजाय के वो आपको प्यार शो करे, उन्हें समझ रहा है कि प्यार शो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ बता के, लाइक सिर्फ दिमाग में सोच के सामने वाले को कैसे पता चलेगा, अपनी एक्शंस के ज़रिए बताना हर छोटी छोटी चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्सन को ये रियलाइज़ तो हो रहा है, लेकिन जब भी ये पर्सन आपको प्यार दिखाने के बारे में सोचते हैं तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाती है आपके बारे में जो आपने गलत करी है। तो बहुत स्टक है ये पर्सन पास्ट में। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या कन्वे करना चाहती है नेक्स्ट 36 आवर्स के लिए। आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हो। सवाल शॉर्ट टर्म रखो, नेक्स्ट 36 आवर्स को लेकर ही रखो, ठीक है। चलिए लेट्स सी, डोंट स्टॉप। तो देखिए आप अपना जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में वो करना मत छोड़ो, किसी के लिए रुको मत, किसी के लिए थमो मत, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे सक्सेस, तो जो भी आप कर रहे हो करते रहो, सक्सेस आपको मिलेगी, चाहे फिर रिश्ते की बात हो या किसी और की बात हो। एंड जो लास्ट मैसेज है वो है अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, डोंट स्टॉप, सक्सेस आपकी है एंड आपको उससे बहुत अबंडेंस मिलेगा। एंड यहाँ पे रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है, तो अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो नेक्स्ट 36 आवर्स में, मैं ये करूँगी वो करूँगा, तो रिकंसिडर करो, कुछ और सोचो, कुछ फिर से सोचो, ठीक है। सो या दैट वॉज इट, आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते अगली वीडियो में। हेलो गाइस, तो मैंने दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। जैसे कि आप देख रहे हो ये दो स्पेल जार्स मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और मैं आपको दोनों की जो यूज़ क्या है वो बताऊंगी, ओके। लेकिन ये बता दूं कि ये कस्टमाइज्ड होंगे आपके लिए, आपके पर्पस के हिसाब से, और तो ये कुछ जनरलाइज नहीं है, मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि बना के रखे हैं और उसमें से एक आपको मिलेगा, ये जब आप ऑर्डर करोगे तब मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर मैं कुछ रिचुअल्स करूंगी और उसके लिए कस्टमाइज्ड आपके लिए मैं इसको बना के दूंगी, पर्सनलाइज्ड बना के दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है ये मनी मैग्नेट स्पेल जार, जैसे ये ग्रीन कलर में देख रहे हो आप। तो ये भी आप अगर स्टूडेंट हो, अगर जॉब करते हो,
बिजनेस करते हो, या अगर जॉब नहीं मिल रही है, स्टूडेंट हो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, बिजनेस कर रहे हो लेकिन क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हर एक केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर जॉब है तो भी जॉब में ग्रोथ करने के लिए सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, उस केस में भी आप इसको मुझसे एक्टिवेट कर एक्टिव करवा सकते हो, बनवा सकते हो। और अगर ऑलरेडी जॉब नहीं है और चाहते हो कि मुझे जॉब लग जाए, चाहे फिर प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उस केस में भी मैं आपको इसको बना के दूंगी, ठीक है। हर एक का प्रोसेस अलग अलग होता है, आपको दिखेगा हर एक सेम, लेकिन हर एक का प्रोसेस अलग होगा। अगर आप इसमें ठीक से देखोगे तो एक चिट है, उस चिट का ही सारा कमाल है, उसमें ही मैंने जो चीज़ें लिखी होंगी वो आपके लिए काम करेगी, जो स्पेल, स्विच कोड, जो भी मैं लिखूंगी। और इस तरह से मैंने ये अपने हाथ से बनाया, ये मैंने अपने लिए बनाया, तो आप अपने लिए भी मंगवा सकते हो। मेरा जो इसको ऑर्डर करने का जो नंबर है व्हाट्सएप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे कहीं मिल जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, तो थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज आपने मंगा लिया कल मिल जाए, क्योंकि इसको बनाने में भी मुझे वक्त लगेगा, ठीक है। तो ये मनी मैग्नेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको मेरी टीम डिलीवर करा देगी, या फिर आपको सारी प्रोसेस करा देगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लव रोमांस स्पेल जार, ठीक है। देखो रेड कलर में है ये भी, मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाया है इसको, तो इसमें भी चिट देख रहे होंगे, इसमें भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, कस्टमाइज्ड है मेरे रिलेशनशिप के लिए, वैसे आपके रिलेशनशिप के लिए कस्टमाइज्ड बनाऊंगी। चाहे आप अपनी दोस्ती के लिए बना रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए बना रहे हो, मैरिज के लिए बना रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इसको मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखने के लिए, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रखने के लिए, प्यार बनाए रखने के लिए, ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आप इसको मुझसे बनवा सकते हो। और अगर रिलेशनशिप नहीं है, अभी क्रश सिचुएशन है, मतलब अभी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाया नहीं है, उस केस में आप भी आप बनवा सकते हो, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी फीलिंग्स को समझे, आप अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस कर पाए। तो आपका जो पर्पस होगा उसके हिसाब से मैं इसको बनवाऊंगी। आप इसको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, लेकिन एक है इसको खोलना नहीं है, ये मैंने सील किए हुए हैं वैक्स से, अगर आप देख रहे हो, इसको खोल दोगे तो इसका कोई यूज नहीं है, फिर आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इसको खोलना नहीं है। अब इसको यूज कैसे करना है, ये इसको तो आप अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हो, जैसे मैं इसको हमेशा अपने वर्क डेस्क पे ही रखूंगी अब, ठीक है, आपको ये हमेशा दिखेगा मेरे वर्क डेस्क पे। वैसे आप जहां काम करते हो, जहां स्टडी करते हो, या आपके बिजनेस जहां पे भी है, आपके शॉप में भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बड़ा बनवाना है थोड़ा सा, वो भी आप बनवा सकते हो, लेकिन फिर उसके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये छोटा है इसीलिए इसकी उस हिसाब से इसकी प्राइस होगी। सो ये रिलेशनशिप का भी आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, या फिर आप जहाँ पे भी, जैसे आपका ड्रेसिंग वगैरह होता है ना, वहाँ पे भी इसको रख सकते हो, क्योंकि जो हमारे सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे हमारा मेकअप हो गया, हमारे ज्वेलरी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, जहाँ पे हम मेकअप करते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, आईना होता है, वहाँ पे भी रख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि वो वीनस से रिलेटेड होता है, वीनस इज रिलेटेड टू आर लव लाइफ। या फिर आप इसको हमेशा भी अपने, मतलब आप दोनों भी ले लो, अपने करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, और साथ में रखो इसको, ठीक है। सो मंगवा सकते हो, ये न्यूली लॉन्च्ड है, ये मैं कस्टमाइज करके आपको दूंगी, नंबर आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कहीं पे, तो या आई होप कि आप मंगाओगे और इसका बेनिफिट लोगे, क्योंकि ये अल्ट्रा पावरफुल हो जाता है। अगर आप इसमें देखोगे बहुत सारी चीज़ें मैंने मिलाई हुई है, अगर आपको दिख रहा है तो, ये सिर्फ चिट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिस्टल्स भी है, ठीक है, इसमें भी देख लो, इसमें भी क्रिस्टल्स है, ठीक है। तो मंगाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि एकदम से मैं बहुत सारी बुकिंग्स नहीं ले सकती, थोड़े थोड़े लूंगी, क्योंकि फिर मेरे ऊपर भी बर्डन आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ यही बताना था।